के पास जिसको हिंदी व्याकरण का पाठ पांच करोड़ के पाठ का नाम है लिंग। लिंग शब्द से मतलब है चिन्ह अथवा पहचान का साधन, मतलब कि हम कैसे पहचान लेते हैं, किसी की पहचान कैसे होती है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जो हिंदी व्याकरण में उसमें जिस शब्द से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, मतलब पता ये पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, उस शब्द को क्या कहेंगे हम लिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि शब्द का वह रूप जो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे गाय बैल, गाय शब्द से हमें क्या पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है और बैल शब्द पुल्लिंग है। शेर शेरनी, शेर शब्द से पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है और शेरनी शब्द से पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से ये हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के कितने भेद हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, अगर पूछेंगे कि बेल, बेल का लिंग बताओ तो कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। शेर का लिंग पुल्लिंग, क्योंकि इससे हमें पुरुष जाति का बोध होगा। और स्त्रीलिंग की परिभाषा हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होगा उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि गाय, गाय से हमें स्त्री जाति का बोध होता है तो हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। शेरनी, शेरनी से भी हमें स्त्री जाति का बोध होगा तो हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। और भी शब्द हैं जैसे माता पिता, तो माता शब्द से स्त्री जाति का बोध होगा तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, पिता से पुरुष जाति का बोध होगा तो उसे पुल्लिंग कहेंगे। अब लिंग का निर्धारण, तो हिंदी में प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय उनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व को देखकर सरलता से कर लिया जाता है। जैसे कि मोर मोरनी, दादा दादी, ताऊ ताई, साप सापिनी, पंडित पंडिताई, बकरा बकरी, मामा मामी, मालिक मालकिन, नाना नानी, इन शब्द के द्वारा हम, क्योंकि ये क्या कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है, इनका निर्धारण हम बहुत आसानी से कर लेते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का शब्द है। ठीक है, तो हम इनमें पहचान बहुत आसानी से कर लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे सबसे अधिक कठिनाई हमें निर्जीव वस्तु या पदार्थों की लिंग निर्धारण करने में आती है, जैसे दूध, चाय, चित्र, कमरा, पुस्तक, कुर्सी, पानी आदि। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव होती है और इन निर्जीव जाति को स्त्री या पुरुष वर्ग में नहीं बांटा गया, लेकिन फिर भी इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो हम कहते हैं। तो इन शब्दों के लिंग के निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो इनका जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने दूध पी लिया। ठीक है, जब दूध का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने दूध पी लिया, और चाय का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने चाय पी ली। तो उससे पता चल पी लिया आ रहा है। ठीक है, और चाहे वो लड़का पिएगा या लड़की पिएगा, कोई भी पिएंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने दूध पी लिया, और चाय पिएंगे तो कहेंगे कि मैंने चाय पी ली। तो दूध कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग हो गया, और चाय स्त्रीलिंग। इसी तरीके से मैंने चित्र बनाया और मैंने तस्वीर बनाई। तो जब चित्र के बारे में बात हुई तो बना या कहा, ठीक है, और तस्वीर के बारे में बात हुई तो बनाई। तो इनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हमें इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया है। तो चित्र हो गया पुल्लिंग और तस्वीर हो गया स्त्रीलिंग। इसी तरीके से जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनका लिंग निर्धारण करने के लिए हमें उसे वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, उसी के अनुसार हम उसका लिंग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे उसने पुस्तक खरीदी, उसने थैला खरीदा। ठीक है, तो पुस्तक खरीदी तो पुस्तक होगा स्त्रीलिंग, और थैला खरीदा तो थैला हो गया पुल्लिंग। तो इस तरीके से शब्दों का जब आई क्रियाओं में स्पष्ट है कि कोई पुल्लिंग आएगा, चाय तस्वीर और खेला शब्द, ये पुस्तक शब्द हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, और एग्जांपल है कंबल नया है, चादर नहीं है, तो कंबल हो गया पुल्लिंग, चादर हो गया
स्थिर है। चावल सस्ता है, दाल सस्ती है। चावल शब्द का प्रयोग जब किया तो क्या कहा, चावल सस्ती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे चावल सस्ते हैं या सस्ता है और दाल सस्ती है। तो चावल शब्द पुल्लिंग और दाल शब्द स्त्रीलिंग। पत्ता हरा है, घास हरी है। जब पत्ते के बारे में पत्ता हरी है ऐसा नहीं कहेंगे, और जब घास के बारे में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, घास हरा है ऐसा नहीं कहेंगे, घास हरी है। तो इस तरीके से पत्ता शब्द पुल्लिंग और घास शब्द स्त्रीलिंग हो गया। यह मेज मजबूत है, यह मेज मजबूत है। मैं लीची खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। चाय गर्म है, दूध गर्म है। तो अब हमें इसे स्त्री, अब ये शब्द लिखे हुए हैं, अब हमें इनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बता दें। तो यह मेज मजबूत है, यह मेज मजबूत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि जो पुल्लिंग शब्द है, जैसे मेज, मेज शब्द क्या हो जाएगा अगर हम इसके बारे में और, तो मेज टूट जाएगी, मेज टूट जाएगा नहीं बोलेंगे। तो उससे पता चल गया कि ये कौन सा है, स्त्रीलिंग। और जब उसका डेस्क, मेज को क्या कहते हैं, डेस्क, तो डेस्क टूट जाएगा कहेंगे, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मजबूत, मजबूत लीची, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आम पुल्लिंग होता है, क्योंकि मैं आम खा लूँ या आम खाता हूँ, ठीक है। और लीची शब्द स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके लिंग का ज्ञान निरंतर अभ्यास या व्यवहार से ही सीखा जा सकता है, और इसके लिए शब्दकोश का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि इनमें संज्ञा शब्दों का लिंग भी दिया रहता है। अब लिंग की पहचान, तो लिंग की पहचान कैसे होगी, तो लिंग की पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं, जिसे पुल्लिंग की पहचान करने के पहले नियम पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं, जैसे पहाड़ों के नाम, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब कहलाएंगे पुल्लिंग। लेकिन जैसे पेड़ों में इमली का पेड़ आता है, ठीक है, और ग्रहों में पृथ्वी जो ग्रह है, वो दोनों शब्द एक अपवाद है, मतलब कि इन दोनों का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। इसीलिए दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। बाकी सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग, जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सब ग्रहों के नाम अगर लेंगे तो पुल्लिंग में हो जाएंगे। पहाड़ों के नाम लेंगे तो वो भी पुल्लिंग में, जैसे हिमालय, अरावली। वृक्षों के नाम आम, बबूल, बरगद। दिनों के नाम सोमवार, रविवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। लेकिन मक्का और ज्वार ये दोनों क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सागरों के नाम में, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, वो सारे क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। रत्नों के नाम, जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा आदि। लेकिन चांदी को स्त्रीलिंग कहते हैं। शरीर के अंगों के नाम, कुछ अंग होते हैं जिन्हें पुल्लिंग कहते हैं और कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हाथ, गला, माथा, पैर, अंगूठा, दांत, पेट आदि। ये सब क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। क्योंकि जब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसी से पता चल जाता है, जैसे गला दुख रहा है, अंगूठा दुख रहा है, दांत दुख रहा है, रहेंगे तो नहीं कहेंगे। अब ये स्त्रीलिंग पहचानने के लिए, तो स्त्रीलिंगों की पहचान कैसे होती है कि इनके जो शब्द होते हैं उनमें अंत में ई या आहट या आई आदि के अंत होने से, जैसे रोटी, डिबिया, गड़बड़ाहट, सजावट, शत्रुता, लड़ाई आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। भाषाओं के नाम और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, बंगला, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि। शरीर के कुछ अंग होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अंगों के बारे में हमने बात की वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। तो शरीर के आधे अंग स्त्रीलिंग कहलाएंगे और आधे अंग पुल्लिंग के में प्रयोग में होते हैं, जैसे जीभ, उंगली, टांग, भौं, गर्दन आदि।
शब्द, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाले लेसन में संज्ञा में समुदाय वाचक, जैसे समूह, जैसे कि सभा, मंडली, कंपनी आदि, ये सारे क्या कहलाएंगे इससे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कैसे कभी भी प्रयोग में हो कहीं पर भी, लेकिन वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ शब्द जो है वो सदैव स्त्रीलिंग होने वाले, पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं मच्छर, कोआ, बिच्छू, खटमल, उल्लू, भेड़िया आदि। इन शब्दों को हम सदैव पुल्लिंग ही मानते हैं, चाहे हम इसका किसी भी तरीके से प्रयोग मच्छर ने काट लिया या मच्छर पड़ रहे हैं, तो कोआ छत पर बैठा है, बिच्छू, खटमल, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। और कुछ शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग में आते हैं, वो है कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जू आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, मतलब इनके लिंग कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं होते हैं जो बड़े आकार वाले तथा कठोर पदार्थ को प्राय, जिसे जिनके आकार अगर बड़ा है या कठोर है तो उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे, और अगर उनका आकार छोटा है या कैसा होता है कोमल होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे कि रस्सा, अगर मोटी रस्सी होगी और बहुत बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम रस्सा, लेकिन अगर पतली होगी और छोटी होगी तो उसे हम कहेंगे रस्सी। जैसे पहाड़, अगर बहुत बड़ा पहाड़ होगा तो उसे पहाड़ कहेंगे, और छोटा सा पहाड़ जैसा होगा तो उसे हम पहाड़ी कहेंगे। मगरमच्छ, कमरा, कोठरी, झोपड़ी, इन सारे शब्दों के अनुसार अगर बहुत बड़ा रूम होगा तो उसे कमरा कहेंगे, अगर छोटी सी छोटा सा किसी का घर होगा तो उसे कोठरी या झोपड़ी कहेंगे। ठीक है, तो इसे इसी अनुसार अगर वो भारी वस्तु हुई या बड़ी हुई तो उसे पुल्लिंग में गिनेंगे, और अगर वो पतली या कोमल हुई तो उसे स्त्रीलिंग में गिनेंगे। अब कुछ शब्द हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तित किया गया है, मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसे शिष्य का शिष्य होता है, आचार्य का आचार्य होता है, बाल का बालक होता है, वृद्ध का वृद्धा होता है, कबूतर का कबूतरी होता है, गधा का गधी, भतीजा का भतीजी, मौसा का मौसी, बेटा का भेड़िया, लोटा का लोटिया, कुत्ता का कुतिया, तेली का तेली, पापी का पापी, नाग का नागिन, पड़ोसी का पड़ोसी, बाघ का बाघिन, ग्वाला का ग्वालिन। इस तरीके से कुछ शब्द हैं जिनका आपको स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त।